सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँचाया जाए। सब सीड बोएंगे देमा की मिसाल उदी ओ बड़ा बे मिसाल जो भी हमें आज सारा यीशु दा कमाल मैं ओदे नाल बद के कदी किसे नूनी चौना मैं ओदे नाल बद के कदी किसे नूनी चौना तू आमा मेरी सुन दाए मेरी सुनदा है मेरा रब सोना तू आमा 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 मेरी सुनदा है मेरा रब सोना मेरी सुनदा है मेरा रब सोना दुआ मां मेरी सुनदा है मेरा रब सोना उठाएंगे और प्रार्थना करें। परमेश्वर आज जो कुछ भी हमने तेरे राज्य में बोया है मेरे खुदा, मेरा विश्वास है खुदा तूने रिसीव किया है, तो मुझे बढ़ाने के लिए जा रहा है, तो मुझे बरकतें देने के लिए जा रहा है और परमेश्वर के दास के द्वारा हमारे जीवन को बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। सब नमा कर गया है, सब नमा कर गया है, सब नमा कर गया है, yes. सब नमा कर गया है। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के दास का हमारे बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह का। सब नमा कर गया है ओ मेरी जिंदगी दे विच, सब नमा कर गया है ओ मेरी जिंदगी दे विच, yes. सब नमा कर गया है ओ मेरी जिंदगी दे विच। परिभानक हालेलुया। आइए जिसने आज बीज बोए परमेश्वर आशीष दे,
बीज बोने के बाद प्रतिफल आता है, गवाही सुनेंगे फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी। हालेलुया। प्रॉफिट दिया भाई बता रहे हैं, काफी समय से कनाडा के वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, लग नहीं रहा था, स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गए कनाडा के वीजा के साथ। ओ मीठा मीठा हसन के खुल के ओ दसन, मीठा मीठा हसन के खुल के ओ दसन, ओ यीशु ओना नाल होवेगा, गवाहियां सुन के शैतान रोवेगा, गवाहियां सुन के शैतान रोवेगा, गवाहियां सुन के शैतान रोवेगा। बोलो हालेलुया। कौन रोएगा? तुम्हारी सास रोएगी। कौन रोएगा? कह रहे शैतान रोएगा गवाहियां सुन के। हाँ सुनेंगे, गवाही सुनेंगे, शाबाश। हालेलुया, हालेलुया। पापा जी वो जैमसी की, सबको जैमसी की। पापा जी इन्होंने दो बार ट्राई किया, दो बार इन्हें फैर फूजल हो गई, तो यह रोल आप मैनू फूल किया। मैं रोल आ तू ताजपुर चर्च आ, स्पेशल लेड करवा ते तेरा वीजा आ जूगा। पापा जी सच बोच आपने स्पेशल लेड की थे, 20 दिन बाद पापा जी वीजा आ गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, आनंद मिलता है। तारीफ करो शाबा। कहाँ का वीजा आया? कनाडा का पापा जी। कनाडा का। परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। बैजो बैजो सारे बैजो। हाथी आनन सुनो, देखो दो बारी वीजा रिफ्यूजल हो गया। कितों आया तू? माइकर से आगे। मैं पासी फिरोजपुर तो आया जी। फिरोजपुर से जी। और ये निराश हो गया था बेचारा, पहले भी जाता होगा इधर उधर कहीं। हाँ जी जानते जी के। हाँ जी हाँ जी, मैं काफी प्रे की, दुआ भी करवाई, काफी प्रे की, काफी दुआ भी कराई, इधर उधर भी गए, लेकिन मेरा काम नहीं सी बन रहा। साढ़े चार चाहे फिर तुसी। हाँ जी। की कराया तुसी? मैं बीज बोया ताड़े तो स्पेशल ले एंड प्रे करवाई थे एंड मैं वीजे ना ब्लेस हो गया वहाँ। आमीन। सुन रहे हैं आप, कह रहा है स्पेशल बीज बोया ले एंड प्रे कराई तुरंत। कितने दिन में आ गया? 20 दिन में पास जी। 20 दिन में मिराइका। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। बोलो बोलो मिराइकल होगा आज मेरे साथ। लेकिन मिराकल होगा कैसे? जब बीज बोने में कमजोर होते हैं उनकी आगे क्या बोलते हैं, जनरेशन भी कमजोर होती है। समझ रहे हो? जैसा बोगे अपने पड़ोसी को बोले, जितना ना बोएगा उतना ना कटेगा, जैसा बोएगा वैसा कटेगा। लाल टी शर्ट वाले, चुन्नी वाले, पीली पीले कपड़े वाले एक दूसरे को चूटी मारो बोलोगे, जितना ना बोएगा उतना ना कटेगा। आपको समझ में आ रहा है? जैसा बोगे, लेकिन ये गिफ्ट है आज मेरे ऊपर। अगर आज आप बेस्ट बीज बोकर जा रहे हैं, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जो समय मुझे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, दुबई से, पाकिस्तान, नेपाल से, क्या इंडिया के हर कोने से, विशाखापट्टनम, दिल्ली, जम्मू, बिहार से, यूपी से, आप कहीं से भी देख रहे हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, लो आपको आशीर्वाद दे रहा हूं आज। आ जाना ताजपुर चर्च में, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और जो इस समय बीज बो रहे हैं अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा अभी यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, अगर आज ये बीज बोने में ईमानदार हैं, हर संडे परमेश्वर जब तू इनकी सैलरी बढ़ाता है हर महीने, तो परमेश्वर ये बढ़कर बीज बोएं, तो मेरे पिता अगला महीना इनका उससे भी डबल पैसे मिराकल सैलरी लेकर आए। मिराकल वाली सैलरी आना स्टार्ट हो, मैं कह रहा सुपर नेचुरल वाली करके आज से सैलरी आना स्टार्ट हो। आज से परमेश्वर कर्जे के शराब हट जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। दो लोगों को हाथ मिला के बोलो तेरा कर्जा उतर गया। जाओ जाओ जोर से तारीफ करें, शाबाश। जल्दी 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 नेक्स्ट। जिन लोगों ने बीज नहीं बोया अपने हाथों में पकड़े, शाबाश। हाँ हालेलुया। प्रवृत्ति बहन बता रहे हैं इनकी बेटी यूके के वीजा के लिए काफी समय से ट्राई कर रही थी, मगर बार बार रिफ्यूजल लग रही थी, चर्च आए, स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गए, यूके का वीजा आ गया। हालेलुया। मुझे सुना मिल गया, वो दुखा दो ना मिल गया,
सारे बोलो हालेलुया। कहां से आए बहन, कहां से आए? नकोदर से। देखो आपके सामने नकोदर पंजाब से आए, यहीं से जलंधर से। और बता रही है कि किसको मिली बेटे आशीष, कैसे मिली बताओ? मेरी बेटी को पापा जी पहले कनाडा का लगाया था, रिफ्यूजल आ गया था। हाँ। तो वो ट्राई कर रहे थे, तो आप स्पेशल ए हैंड करवाई, तो 5 दिन में ही वीजा आ गया यूके का। सारे ऐसे ऊपर की ओर देखो जिसको वीजा चाहिए आज, जॉब चाहिए आज, जोर से दहाड़ मारो शेर की तरह बोलो साड़ी आशीष भी आ गई आज। जोर से शेर करे जंगल में शिकार करने से पहले ऊपर की ओर मुंह करता है, किसकी ओर? और आजकल के इंसान शिकार करने से पहले, लोन लेने से पहले नीचे मुंह करके जाते हैं। मम्मी जरा दही वाला चम्मच खिला दे, मेरा अच्छा पेपर हो जाए। मैं कह रहा हूं कि ऊपर की ओर मुंह करके जाना, एक गुड न्यूज आपका इंतजार करेगी चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो तू कहीं का नहीं रहेगा। समझ रहे हो, जो बीज नहीं बोते वो कहीं के नहीं रहते। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है आज, जिन लोगों ने बोया वो कहीं से कहीं जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जिंदा खुदा है। आप बताएं कि शाबाश शुरू से बताओ शाबाश। पापा जी मेरी बेटी का पहले कनाडा का लगाया था, रिफ्यूजल आ गया। तो बहुत परेशान थी मेरी बेटी, तो मैंने स्पेशल लेहन करवाई, बीज बोया, तो मेरी बेटी फिर यूके का लगाई फैल, 5 दिन में ही वीजा आ गया। हालेलुया। मिराइकल ले हैंड प्रे कराने के बाद 5 दिन में वीजा आ गया। मैं कह रहा हूँ जिसके काम अड़े हुए हैं आ जाना प्रॉफिट बिजिंदर सिंह मिस्ट्री में ले हैंड प्रे कराने के लिए। मैं कह रहा हूँ आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जो यस बोल रहे हैं वो काम खुलवा रहे हैं आज। ओ मीठा मीठा हसने के खुल की ओ दसने मिठू अनार होवेगा गवैया थोड़ी के शैतान रोवेगा। हां जी हां जी, फटाफट फटाफट जल्दी 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 उसके बाद लाइन लगा दो सबकी गवाही। हालेलुया। मैं लूंगा लाइन लगा दो शाबाश। प्रॉफिट जी ये बहन बता रही है इनकी सिस्टर साइप्रस ब्रांच में आती है और यहाँ पर ये स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई। काफी समय से पीआर नहीं मिल रही थी, आपने प्रोफेसी किया, साइप्रस में पीआर आ गया। उठी जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठी जाना, उठी जाना है, उठी जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठी जाना है, उठी जाना है, उठी जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठी जाना है। ओ उठी जाना मसीह की। तरक्की कभी नहीं होती जो स्माइल नहीं देते संडे के दिन। एक बंदा हंस रहा है, स्माइल दे रहा है आपको। जो उदास बैठते हैं आप किसके घर आए हैं? परमेश्वर के घर आए हैं। यहां आकर भी उदास हो, अपने पड़ोसी को बोलो मेडिकल स्टोर पे आए, कैंटीन पर आए, दवाई लेने आए, भाई साहब ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। जो मेरे चर्च में बैठकर स्माइल करके जाते हैं वो अपने घर पर, उनके घर एंजल आएंगे आज स्माइल देने के लिए। सुन रहे हो, विश्वास करना। देखो साइप्रस में इसकी बहन थी लेकिन कोई आशीष नहीं थी, पीआर नहीं थी, कई साल से थी। बताइए अपने मुंह से। हाँ हाँ हालेलुया। पापा जी हम तीनों बहनें साइप्रस से आई हैं। 7 साल से मेरी बहन बहुत स्ट्रगल कर रही थी वहाँ पे, वहाँ की पीआर इजी नहीं है, पर प्रभु की कृपा से जब साइप्रस में ब्रांच खुली वहाँ से प्रेयर हुई तो मेरी बहन की कल अप्रूवल आ गई, उसकी आईडी आ गई, कल वो मिल जाएगी उसको। और मैंने यहाँ पे ले हैंड प्रेयर करवाई थी। मेरे हस्बैंड का 4 साल से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, उससे भी वो आज़ाद हो गए और हमारे सभी काम खुल गए, हमारी लाइफ चेंज कर दी प्रभु यीशु ने। जीसस, सुन रहे हो, कह रहा है कि ले हैंड प्रे कराने के बाद, पर लाइफ कब चेंज हुई इसकी? ले हैंड प्रे कराने के बाद। कह रहे कि झगड़ा चल रहा था पति पत्नी में, वो भी ठीक हो गया, घर में शांति आ गई। और बता रहे हैं कि जो साइप्रस में ब्रांच खुलवाई उसके बाद प्रेयर हुई ले हैंड, तो कह रहे पी आर आ गई। मैं फिर कह रहा हूँ, जो ब्रांच खुलवा रहे हैं और जो ले हैंड प्रे करा रहे हैं, परमेश्वर उनके घर से क्लेश खत्म कर रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। आपके नसों में से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए आज। अपने हाथों को उठाओ जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो चर्च में बैठे, आजाद हो जाओ, गंदी आत्मा बाहर जाओ, छोड़ दो इनके कामों को, छोड़ दो इनके बिजनेस को, भट 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 यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर को दशमांश देते हैं, शैतान तेरा इनके ऊपर अधिकार नहीं है।
और मैं इनके लिए परमेश्वर का दास होने के नाते इनके लिए दुआ कर रहा हूँ। आज से मेरी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम देंगी, आपको कवर करता हूँ परमेश्वर के ब्लड में, यीशु के ब्लड में कवर हो जाओ। आमेन। आपको प्रोटेक्शन मिले मेरी प्रार्थना से। आमेन। आपके बच्चों को प्रोटेक्शन मिले। आमेन। आपकी किडनियों को प्रोटेक्शन मिले। आमेन। आपकी हड्डियों को प्रोटेक्शन मिले। आमेन। आपके लीवर को प्रोटेक्शन मिले। आमेन। आपकी आईज को प्रोटेक्शन मिले। आमेन। आपके ईयर को प्रोटेक्शन मिले। आमेन। आपके हेड को प्रोटेक्शन मिले। आमेन। आपके बॉडी के हर हिस्से को प्रोटेक्शन मिले। आमेन। आपके बच्चों को प्रोटेक्शन मिले। आमेन। आपके चर्च को प्रोटेक्शन मिले। आमेन। आपके बिजनेस को प्रोटेक्शन मिले। आमेन। आपकी गाड़ी को प्रोटेक्शन मिले। आपके बैंक को प्रोटेक्शन मिले। आपकी जॉब को प्रोटेक्शन मिले। ये प्रोटेक्शन वाला हाथ आपके ऊपर आए, जो इस लाइन में जुड़े हुए उनके ऊपर आए, उनके घर में शांति वाले दूत आए, बढ़ाने वाले तरक्की कराने वाले दूत आए। मेरे मुंह से जो निकल रहे हैं, मेरी आंखों से वो सामर्थ्य निकले आज, मेरे हाथों से वो सामर्थ्य निकले आज, ये प्रोटेक्शन मिले आज यीशु मसीह के नाम में। जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने ले हैंड कराई आज, इनके घर में गुड न्यूज आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरी प्रार्थना से आपको इस हफ्ते में प्रोटेक्शन नजर आएगा, एक्सीडेंट होने से प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, अगर आपकी सेहत तंदुरुस्त होगी यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। हाँ, सब फटाफट गवाही के साथ हालेलुया। प्रोफेसर जी, इन सब की बहुत बड़ी गवाही है, बता रहे हैं, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से गॉड में जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे पर नहीं मिल पा रही थी, इन्होंने स्पेशल सीड के साथ स्पेशल ले हैंड करवाया, बता रहे आज सब गॉड में जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है परमेश्वर आपका फेवर करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो परमेश्वर आपका फेवर करेगा? यस। विश्वास करना बस। आप सब मेरे लिए भी दुआ करो कि मैं जल्दी से लेंटर डलवाऊं। आप मेरे लिए भी दुआ करेंगे कि नहीं? यस। हाँ, जो जोड़ा था वो तो ले गए, पर बाकी चलो आप दुआ करोगे कि नहीं? अब कह रहे दुआ करो, लेंटर डले और यहाँ पर एक एक नहीं, एक एक कैबिन में 50-50 कूलर लगे हों, ठीक है? ऐसा कोई दयावान है तो उठ कर आना मेरे पास। नहीं तो मेरे लिए प्रार्थना ही कर सकते हो आप। प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। लेकिन सच में जो परमेश्वर के कामों में हिजकिया राजा कह रहा, जब राजा बना उसने बनते ही परमेश्वर के डोर की मुरम्मत कराई। जो लोग चर्च के कामों को करें, जो चर्च में देखते हैं कि समान पूछते नहीं हैं, लेकर आते हैं, मैं कह रहा हूँ भर दो उस चर्च को कूलर ही कूलर से। Amen. क्या आपके अंदर थोड़ी बहुत भी दया नहीं है? भर दो चर्च को चेयर ही चेयर से, अपने लिए चेयर लाओ। आशीष ऐसे आती है, लेने का तरीका है। टेंट एक पर्दा 1,000 रुपये का अपने आप लेकर आ सकते हैं। आप दुआ करो मेरे लिए, अगले संडे में इंतजाम करूंगा यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए, बरकतें देखो आपके सामने है। गवर्नमेंट जॉब, हाँ, कहाँ से है? सर फाजिलका से है। फटाफट गवाही दे फटाफट। मैं 2 साल से जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, सामने देखो। हाँ। फाइनल में मैं 2 बार रह चुका हूँ। हाँ। तीसरी बार फिर मैंने ट्राई किया डिफेंस में और ताजपुर चर्च में आया, ले हैंड प्रे करवाया और अब मेरा आज ही रिजल्ट सुबह आया है। गवर्नमेंट जॉब में जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। फिरोजपुर से आया गवर्नमेंट जॉब। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ बेटे बताओ। जोर से बोल। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं यूपी बिजनौर से आया हूँ और मैं पिछली बार शोभा यात्रा में आया था, तो मेरे को 1 साल हो गया जॉब लगे हुए इंडियन आर्मी में। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी में जॉब लग गया, तू कहाँ से आई? हेलो पापा जी को जय मसीह की। हम जब से हम इसमें यीशु में जुड़े हैं, हम बहुत बीमार थे सर, हमारा घर बीमार था। हम चर्च में आए हूँ, जलन हो चंडीगढ़ जिसमें आए हम, तो हम चर्च में 2 साल हो गए हमारे, तो हमारा सारा घराना बच गया जब से हम पापा जी मिले हैं। हालेलुया। पापा जी ने हमारा घर बचा दिया है, पापा जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, यीशु जी ने हमें बचा दिया है, हमारा सारा घर बर्बाद हो गया था। कह रही
आया, हमारा घर बर्बाद हो गया था, जब से हम इस चर्च के साथ जुड़े हमारे घर में शांति आ गई, गवर्नमेंट जॉब आ गई, बरकतें आ गई, ये परमेश्वर की ओर से है। ले हैंड प्रे कराई थी, करवाई थी हाँ। ले हैंड प्रे कराई, और आपका बेटा ये और इसके बेटे की गवर्नमेंट जॉब आ गई, जोर से तारीफ करो, जोर से। सुनो, आप कहाँ से आए? होशियारपुर से। ले हैंड प्रे कराने के बाद की होया? मेरी नो 5 साल हो गए सके, कच्ची सी, ते तुसी ना लिया सी पी आ वाले आंदे ना ले सके दा, ते मैं रिसीव किया ता मेरी नो पक्की हो गई। अदी नो पक्की होगी किथे? होशियारपुर से। गवर्नमेंट जॉब? हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब में कच्ची थी, पक्की होगी। हेलो, जिसकी जॉब कच्ची है पक्का होना, इसने आ जाना, ले हैंड प्रे करा लेना, आपकी जॉब पक्की हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जिसकी जॉब कच्ची है, विश्वास से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं, मेरे ऊपर गिफ्ट है ये, मजाक मत समझना, ये परमेश्वर की ओर से है। जब आपके अगर आप सारे काम यूज करो, अगर नहीं बनता ले हैंड प्रे करा कर देखो, जब आपके बीज आपके दशमांश इकट्ठे हो जाते हैं, आप आओ ले हैंड प्रे कराओ, और आपके सामने करे जिस जिसकी भी प्रेयर की, देखो गवर्नमेंट जॉब की लाइन लगी हुई है, हालेलुया, पीआर की लाइन लगी हुई है। आप सुन रहे थे कनाडा, यूके, यूएसए की गवाहियां आपने सुनी आज, पथरियां रसोलियां सब खड़े हो जाओ, शाबाश, लाइन लगाओ, ये परमेश्वर की ओर से। आप ब्रांचों में भी गवाहियां सुन रहे हैं, ब्रांच के लोग भी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। जिसके काम नहीं बन रहे हैं, जो कोई जॉब चाहता है, आ जाना प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री में, इसी समय परमेश्वर आपको जो ले हैंड करा रहा है, परमेश्वर उसके ऊपर हाथ रखे आदि यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिले, बोलो आमीन, आमीन। हाँ जी, ऊपर उठाऊं, शाबाश, ऊपर उठाऊं, शाबाश कार्ड, हाँ शाबाश शाबाश। मैं देख रहा हूँ कि अपने हाथों को उठाऊं, ऊपर करो, शाबाश। मैं देख रहा हूँ स्पेशल ले हैंड प्रे कराया लोगों ने, किसी को घर मिला, किसी को मिरेकल मनी मिली, किसी को कोई जेल में था, जेल से आजाद हो गया, यूरिक एसिड था, पत्थरियां थी, रसोलियां थी, गिल्टियां थी, आजाद हो गए, ले हैंड प्रे कराया, नॉर्मल रिपोर्टिंग होगी। आपकी बेटी के सेल खत्म हो गए थे, कह रहे कि राजस्थान से शुगर का प्रॉब्लम था, हस्बैंड शुगर का प्रॉब्लम, शुगर से आजाद हो गए, शुगर से आजाद हो गए, थायराइड की प्रॉब्लम था आजाद हो गए, सिस्ट थी गायब हो गई, घर की रजिस्ट्री बन, मैरिज का सर्टिफिकेट, जो भी आप अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। और बहुत सारे लोगों को सेवा मिली, परमेश्वर ने आशीष दिया, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, जो भाई बहनों ने आज गवाही दी है, जो चर्चों में ब्रांचों में गवाही दे रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने बीज बोया, परमेश्वर आज ये 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत पाने पाए, आज से तेरा मसा इनके ऊपर डबल हो करो तेरे यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर आज तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन, आमीन। कितने लोग खुश हैं आज, जिन्होंने बीज बोया है, अपनी भेंट, अपने दशमांश, जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के ऑनलाइन चर्च आईसीआई बैंक में डाल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे। और मेरी प्रेयर है दिल से, आपको एक एंजल जाए आपके पास, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके जॉब, आपके बिजनेस को एक नई प्रोटेक्शन दे, आमेन, आमेन। रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करो, आमेन, आमेन। आपको गुड न्यूज मिले, आमेन। बैठ जाओ अपने स्थान पर, जाओ शाबाश, और आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, जल्दी से निकालेंगे, शाबाश, परमेश्वर के कलाम को कितने लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो आदर कर रहे हैं परमेश्वर का, इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए, यस। आइए सब सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं परमेश्वर, इनके घर में गुड न्यूज आने पाए पवित्र आत्मा जी, इनके बंधन टूटने पाए, आमीन, इनके ऊपर से शराब खत्म होने पाए, यस आमीन। और इसी समय पवित्र आत्मा इनके घर में आज से नई नई आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए, यस आमीन। तेरा वचन इनके घर में बेदारी को लेकर आए, तेरा वचन इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हर आशीष इस साल में इनकी डबल होते चली जाए यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर मैं फिर कह रहा हूं कि इस साल में इनकी आशीष डबल होती चली जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा, तू आज इसी समय और अभी इनके घर में गुड न्यूज को देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, कोई भी जन इनमें से गरीब नहीं रहेगा आज के बाद,
आज से ये बड़ी बरकत को और आशीष को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा किया हुआ छुटकारा इनके ऊपर आने पाए, यस, और तेरी आशीष इनके ऊपर बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हो सकते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ आज जिसने अपनी परिस्थितियों को देखकर हार मान लियो। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जिसने अपनी परिस्थिति को देखकर, बीमारियों को, कर्जे को, समस्याओं को देखकर आप हार मान जाते हो। कई बार हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो अपनी लाइफ में निराश हो और बार बार सोच रहा हो कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कई बार हम हार जाते हैं और अपने मुँह से बोल बैठते हैं कि परमेश्वर शायद अब मेरी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है आप पैसे की वजह से, नौकरी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, कोई कर्जे की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, या कोई बच्चों के परिवार के बोझ की वजह से आप टूट गए हों और आप ये अपने मुंह से निकाल रहे हों कि मैं हार गया हूं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, तुम उस समय, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब आदमी को लगता है कि मैं हार रहा हूं, लेकिन उस टाइम में बैठ जाओ नीचे। उस टाइम में आपको हारना नहीं है, क्योंकि आप हारने के लिए नहीं बने हो चर्च। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हार मत मानो। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बोलो हार मत मानो। अगर आप हार मान जाते हैं तो शैतान आपके घरों में काम करना शुरू करता है। जब आप हार मान जाते हैं, एक आपको ब्लेसिंग की बात बता रहा हूं, मसीहत का मतलब है जीतने वाला। आमीन। मसीहत का मतलब है जीतने वाला योद्धा। यस। आप वो घोड़े हैं जो आप हारने के लिए नहीं बनाए गए। आमीन। आप कौन हैं? घोड़े। चर्च में आने वाले दो तरह के लोग हैं, एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा। चर्च में दो तरह के लोग आते हैं, सारे बोलो गधा, गधा, घोड़ा, घोड़ा। मतलब कई लोग अपने आप को विश्वास में गधा समझ लेते हैं। बाइबल बोलती है, करे के लय व्यवस्था में लिखा कि हल के अंदर एक जोड़ी में बैल होने चाहिए, लेकिन जो कई लोग हल के अंदर अगर बैल को एक साइड में और गधे को एक साइड में जोड़ लें, क्या वो खेत में काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो पति पत्नी का रिलेशन हो सकता है, सुन रहे हो? हो सकता है वो बाप बेटे का रिलेशन हो सकता है, हो सकता है वो पादरी और विश्वासी का रिलेशन हो सकता है, पादरी बैल हो और विश्वासी गधा हो। वो कह रहा हो नहीं तेरी तरक्की होगी, कह रहा मैं डैचू ऐसे कैसे होगी, हमेशा शकी करता रहता है। पत्नियां कहती रहती साढ़े नाल चल चल तेरा भला हो जाना, पति कहता तेरा दिमाग खराब है, दो घूट पीण दे भला बाद चो होएगा। आपको नहीं पता, कह रहा एक कान गधा है एक कान बैल है। जितने चर्च आते हैं एक कान अविश्वास का लेकर आते हैं, एक कान विश्वास का लेकर आते हैं। लेकिन अगर आज मेरे चर्च में दोनों कान आप खोल कर बैठे, आज मैं कह रहा हूं किसी भी काम में आप हार रहे होंगे, आज आप जीत को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका टाइम जीतने का आ रहा है। हम जब हार रहे होते हैं तो उस समय हमें लग रहा होता है कि शायद जीत नहीं मिलने वाली, मैं हार जाऊंगा, लेकिन उस समय आपको हार नहीं मानना, अपनी आत्मा को आपको बल देना होता है। उस समय में कहना होता है अरे बजिंदर सिंह तू हारने वाला नहीं है, तू हारने के लिए बना ही नहीं है। मोहनलाल, अरे चमनलाल, अरे उजड़े चमन, तू हारने के लिए बना ही नहीं है, तेरे बाप ने तेरा नाम उजड़ा चमन रख दिया है, लेकिन तू हारने के लिए बना नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा चमनलाल हो चाहे श्यामलाल हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो। आज हो सकता है तुम अपाहिज हो, हो सकता है आंख से ना देखते हो सकता है कोई जन यहां पर हो मरने वाला हो, कैंसर हो, लेकिन ये याद रखना करा जो मसीह में आ गया वो मरने के बाद भी जीत सकता है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? अगर विश्वास है तो मेरे हल में जोत लेना अपने दिमाग को, इस हल में जोत लेना, इस चर्च में आ जाना, आपकी जिंदगियों में काम होगा आज के बाद। आमीन। ऐसा समय आएगा, हार मत मानना कभी जुबान से, अपने दिमाग से, क्योंकि तुम्हारा ऐसा टाइम आने वाला है कि तुम्हारा टाइम जीतने का टाइम स्टार्ट होगा आज से। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो ऑनलाइन ब्रांचों में बैठे हो, आपका जीतने का टाइम स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, क्योंकि मेरी भी एक बहुत बड़ी गवाही बन गई है। आमीन। मैं इकट्ठी सुनाऊंगा आपको, अभी नहीं जल्दी सुनाऊंगा। हालेलुया।
क्या कह रहा हूँ, आप हारने के लिए नहीं बने हो, अपने पड़ोसी को बोलो तू जीतने के लिए बना है। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं चर्च में बैठे हैं, वो हारने के लिए नहीं बुलाए गए, वो जीतने के लिए बुलाए गए। अगर आप आमीन बोलें तो आमीन। एक स्वर्गदूत निकलेगा आज स्वर्ग से, जो जीतना चाहते हैं वो अपनी समस्याओं में हार ना माने, बस एक काम करें, झुके नहीं, आज खड़े होकर अपनी कुर्सियों पर सीधे खड़े होकर छलांग लगाएं, जोर से चिल्लाएं हालेलुया, हालेलुया, जोर से चिल्लावा हालेलुया, हालेलुया। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। उछलते हुए चर्च जीत के हो, आई एम विनर। यहोवा हालेलुया, हालेलुया। यहोवा 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 यहोवा। सुनो, आपको गाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको गुनगुनाने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है गाना नहीं आता आपको, आपको गुनगुनाना है बस। बोलो यहोवा 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 जिंदा खुदा। बोलो तू मेरा जिंदा खुदा, अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय जीत आपके कंधों पर आ चुकी है। क्या आप अपनी जीत का भार उठा सकते हैं? क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं कैमरामैन? आम कैमरामैन स्क्रीन पर, हाँ हाँ, मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। देखो, सुनो 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 सुनो, मैं जीत आपके इनके कंधों पर आ चुकी है। उठाओ ऐसे, उठाओ जीत, उठाओ उठाओ, देखो जीत चल रही है। क्या आप जीत को अपने कंधे पर उठाकर चल सकते हो? जीत का मतलब आपकी टेस्टिमनी, आपकी गवाहियां। देखो मैं करूंगा, एक दो तीन, फायर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, अपने सिर पे हाथ रखो लड़कियों, परमेश्वर आपको छुए। जो मुझे सुन रहे हैं उनके कंधों पर जीत आ जाए आदि शुक्र। आमीन। ये क्या होगा, ऐसे ही थोड़े दिन चलने के बाद, जीत कंधों पर उठाने के बाद, आप ऐसे ही अभिषेक से भर जाएंगे। आमीन। आप नाचेंगे गाएंगे और गली गली में आप नाचते हुए गवाहियां देंगे। आमीन। बैठ जाओ, हालेलुया। जितने आज का वचन ऑनलाइन, सामने छठ कैमरे के सामने, नीचे सारे बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हो, जीत आज से आपके कंधों पर होगी। किसके कंधों पर होगी चर्च? हाँ बोलो, मेरे कंधों पर, मेरे कंधों पर। जो नाच रहे थे, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे थे, जो देख रहे थे, मैंने देखा और उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस हफ्ते में करे एक स्वर्गदूत आपको जिताने वाला आसमान से निकलेगा। आमीन। और आपके साथ होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, लिख सकते हैं आप जल्दी से, देखो फटाफट, जीत आपके हाथों में है। हालेलुया। किसके हाथों में है? आपके हाथों में है। ये तीन सीक्रेट दे रहा हूँ, आप लिखो फटाफट अपनी डायरी के अंदर। कह रहे कैसे, किन लोगों की जीत आएगी इस साल के अंदर, किन लोगों की गवाहियां बनेगी, किन लोगों के पासपोर्ट पर, किन लोगों को दर्शन आएंगे, किन लोगों को प्रभु प्यार करता है। जीत जिसके कंधों पर होगी,
जीत जिसके हाथों पर होगी उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप पहला प्रार्थना का चार्ट बनाएं, डेली रूटीन के साथ, आपकी लाइफ में एक रूटीन होना चाहिए। आपके माँ बाप ने, आपके टीचर ने सिखाया आपको रूटीन, आप डेली ब्रश करते हैं। कितने लोग ब्रश करते हैं डेली? क्यों किया जाता है ब्रश? क्यों किया जाता है? आपके दांतों की सफाई के लिए। कह रहा ऐसे ही आपको, कह रहा डेली प्रार्थना करना, डेली बाइबल पढ़ना आपकी आत्मा की सफाई के लिए, कि कोई शत्रु आपको हराने ना पाए। आमीन। कोई शत्रु आपको निराश करने ना पाए, कोई आपको विचारों में गिराने ना पाए। आमीन। कह रहे कि दूसरा, यहोवा को बलिदान चढ़ाएं, अपनी हर चीज का यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहे तीसरा, हार मत माने, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, पर हार नहीं मानना, क्योंकि मसीह लोग हारने के लिए नहीं बुलाए गए। लोग बोलते हैं तू मरने वाला है, तू हार गया। आपको नहीं पता मसीह लोगों की जीत मरने के बाद स्टार्ट होती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग राज्य के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। आप हारने वाले नहीं हो, इस धरती पर भी आप नहीं हारने वाले, और जब यहां से जाएंगे तब भी नहीं हारेंगे आप। जीत आपके कंधों पर होगी। आमीन। आपके हाथों पर होगी। आमीन। और इस साल में आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते दानियल 6:10, दानियल को हराने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वो षड्यंत्र क्या था कि दानियल को हराने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। हम पढ़ते देखो दानियल 6:10 में, जब दानियल को मालूम हुआ, सुनो, हाँ हाँ, कारण क्या था जी? अगर आप भी ये तीन बातें सुनो, अगर अपनाएंगे तो जीत आपके कंधों पर होगी आदि यीशु मसीह के नाम में। दानियल अपनी लाइफ में बड़ा चलाक था, उसने ये तीन सीक्रेट अपनाए और परमेश्वर ने उसको देश का मंत्री बना दिया। हालेलुया। अगर आप ये तीन सीक्रेट अपनाओ तो परमेश्वर आज रात से, आप चाहे धोबी होंगे, आप चाहे चाय बनाने वाले होंगे, आपको पता ही है चाय बनाने वाले कौन बने हुए हैं, आप समझदार हो, आप कोई भी होंगे, सड़क छाप होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको देश में मिनिस्टर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप आमीन बोलकर तैयार हैं आज? आमीन। पढ़ेंगे देखो क्या लिखा। हाँ हाँ। जब दानियल को मालूम हुआ, हाँ हाँ, कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ, तब वह अपने घर में गया जिस उपरोठी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। बोला हालेलुया। हालेलुया। देख रहे हो, आप सुन रहे हो कि दानियल को मालूम था कि मैं डेली रूटीन बनाऊंगा प्रार्थना करने का, हर संडे रूटीन बनाऊंगा चर्च जाने का, हर संडे से कर, हर हफ्ते नहीं, हर डेली मैं बाइबल पढ़कर प्रार्थना कर घर से बाहर निकलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसने दिन में 3 बार बनाया था, आपने कितनी बार बनाया हुआ है? इसने अपनी लाइफ में एक चार्ट बनाया हुआ है कि मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करूंगा। बोलो हालेलुया। लेकिन इसके जीतने का राज क्या था? करा इसके दोस्त, रिश्तेदार, दुश्मन हैरान हो गए, और इसी के 4 में लिखा कि वो षड्यंत्र ढूंढने लगे। उन्होंने पूछताछ किया, करा इसके जीत का क्या राज है, हेयर कार्पिंग ऑयल या फिर फेयर एंड लवली? इनकी कोई औरत चर्च में देख लेती है किसी को काली थी गोरी हो गई तो बार बार पूछती है इसके गोरे होने का राज क्या है, किसी गंजे के बाल आ जाते हैं सिर पे तो बोलते हैं इसके तो बाल ही नहीं थे, आजकल हमारे पास्टर धर्मेंद्र के भी बाल आ गए हैं सिर पे, हम पूछ रहे हैं इसका राज क्या है, हेयर एंड कार्पिन ऑयल या फेयर एंड लवली? लेकिन लोग ये नहीं पूछते इसकी तरक्की का राज कैसे है। दानियल को, दानियल ने नहीं बताया लोगों को, उसके दुश्मनों को, उसके रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने बताया। कह रहा इसके कमरों में से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने की आवाजें आती हैं। आमीन। कह रहा कितनी बार? कह रहा 3 बार। आजकल तो आपके घर के बाहर चर्च भी होगा, वहां से भोपूनी बजता होगा 3 बार, लेकिन उसके घर से 3 बार आवाज आती है। शर्म आती है, मैं चर्च में आता हूं तो चर्च में रहने वाले लोग 3 बार दिन में प्रार्थना नहीं करते चर्च में, शर्म आती है मुझे।
मैं कह रहा हूं कि अगर आप में से अगर ये बात रूटीन बना लो, रूटीन अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन उसके जीतने का राज क्या था? कह रहा उसकी खिड़कियां, उसके कमरे की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी। हालेलुया, हालेलुया। कहां खुलती थी? यरूशलेम की ओर। इसलिए उसको मिस्टर बनाया गया। आपकी आंख की खिड़कियां किधर खुलती हैं? सवेरे उठते ही मम्मी चाय देना। औरतों की खिड़कियां कहां खुलती हैं? सवेरे उठते ही। बच्चों की खुलती नहीं, आंख सीधा भाई साहब पॉपकॉर्न पे खुलती है जाके। आप सुन रहे हैं, अपने बच्चों को सिखाओ। कह रहे कि अगर आपने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम्हारी खिड़कियां यरूशलेम की बाइबल में खुलनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हारी आंख की खिड़कियां अगर खुलने लगी, मैं कह रहा हूं तुम्हारा बच्चा पहले पैदा होने से पहले, कह रहा उसका भविष्य लिख दिया जाएगा आसमान के अंदर। आमीन। लिख दिया जाएगा, ये देश में तरक्की करेगा, ये इतिहास रचेगा। आमीन। कह रहा यूसुफ की जिंदगी में लिख दिया गया, पहले से 12 साल की उम्र में लिख दिया गया, 18 साल की उम्र में पता लग गया उसे। कह रहा कि तू दुनिया के अंदर, कह रहा 11 तारे तुझे दंडवत करेंगे, तेरा पूला सीधा खड़ा रहेगा, बाकी के पूले गिर जाएंगे। कह रहा अगर आज आप फैसला ले, माँ बाप बच्चों पर दोष लगाते हैं, तब गंदे माँ बाप, उनको डांट रहा हूं जो अपने बच्चों के लिए रूटीन में प्रार्थना नहीं करते। सुन रहे हो सकता है मैं भी हूं, आप समझ रहे हैं। कह रहे कि वो रूटीन में प्रार्थना करो, माँ बाप अगर रूटीन में प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं कि आसमान में लिख दिया जाएगा, आपके कानों में आवाज शोर आएगा। कह रहा इनके बच्चे जो बिजनेस खड़ा करेंगे कभी गिराया नहीं जाएगा, इनके पुले सीधे खड़े रहेंगे। आमीन। बाकियों के गिर जाएंगे लेकिन इनके पुले नहीं गिरेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप की सुबह खिड़कियां आंखों की कहां खुलती थी? बाइबल के अंदर। कह रहा इसाक की खिड़कियां कहां खुलती थी? धर्मशास्त्र पुस्तकों के अंदर, यहोवा के मंदिर में खुलती थी। वो परमेश्वर के डिसिप्लिन में था, रूटीन बनाया हुआ था, और परमेश्वर ने कहा जा। कह रहा है कि कोई माई का लाल तेरे बच्चों को, कह रहा है ब्लेसिंग लेने से नहीं रोक सकता। कह रहा है तेरे बच्चे, कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जो लोग रूटीन में प्रार्थना करते हैं, कितने लोग दिन में प्रार्थना करते हैं? एक बार हाथ उठाओ। एक बार प्रार्थना करने से कभी आपकी जिंदगी में कोई स्वर्ग हिलने वाला नहीं है, कोई आशीष हिलने वाली नहीं है आपके लिए। दिन में खाना कितनी बार खाते हो? टॉयलेट कितनी बार जाते हो? भाई साहब 2 बार अधिकतर। मैं आपको बता रहा हूं कि आप सबके अंदर एक बॉडी में एक रूटीन बना हुआ है। बाइबल बताती है, कह रहा कि आपके स्वास्थ्य को भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। परमेश्वर आपको मेंटेन कब करेगा? कितने लोगों को पता है हमें बॉडी के लिए सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ती है? 30 मिनट पहलवान को एक्सरसाइज, कसरत करनी पड़ती है 30 मिनट। अगर तुम 30 मिनट प्रार्थना करो, तुम्हारी आत्मा को बल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? कह रहा कि सुबह उठकर, कह रहा डॉक्टर ही बताते हैं तुम्हारी बॉडी को सबसे बेस्ट फूड चाहिए। कल मैं सुन रहा था किसी डॉक्टर के बारे में, वो कह रहा था देखो मैं कितना हट्टा कट्टा हूं। मैंने कहा अच्छा, कहता कितना स्लिम ड्रीम हो, कहता मेरी उम्र को कोई बता नहीं सकता। कह रहा था क्योंकि मैं सुबह, कह रहा 8 बादाम खाता हूं और आमलेट खाता हूं और 1 कॉफी पीता हूं। मेरा लीवर कहता तुम भी ऐसे करोगे मेरा लीवर सदा जवान रहेगा, लेकिन हो सकता है अगले साल उसको वायरस हो जाए, क्योंकि 2026 में बड़ा भयंकर वायरस आने वाला। भाई साहब आपको लिख कर दे रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा लोगों को नहीं पता, लेकिन आपकी बॉडी को वो सही कह रहा था, वो डॉक्टर सही कह रहा है कि उसकी बॉडी को, एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए अच्छा फूड की जरूरत है। जो लोग बेस्ट फूड नहीं खाते उनको प्रॉब्लम जरूर रहती है, लेकिन वो बेस्ट फूड खा रहा था। आज अगर बॉडी को मेंटेन करने के लिए बेस्ट फूड चाहिए हमारे लीवर को, तो ऐसे ही परमेश्वर कहता है, कह रहे कि आपको भी अपनी आत्मा को बोल्ड करने के लिए, अपनी प्रेयर लाइफ को बचाने के लिए आपको बेस्ट फूड, बेस्ट वचन की जरूरत है आज आपको। आमीन। जब आप बेस्ट वचन पढ़कर जाते हैं, जब आप बाइबल पढ़कर जाते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दानियल को पता था
फिर भी वो तीन टाइम रूटीन से प्रार्थना करता रहा। दानियल को पता लगा साइन कर दिए गए तुझे मारने के लिए, और उसी समय दानियल प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसको प्रार्थना की ताकत का पता था और वो प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसने जानता था कि मुझे दिन में तीन बार जो मैंने चार्ट बनाया है मुझे वो पूरा करना है। उसने अपनी जिंदगी में चार्ट बनाया था, इतने बजे मैं प्रार्थना करूंगा, इतने बजे मैं सोऊंगा, इतने बजे फिर मैं प्रार्थना करूंगा, इतने बजे मैं ये काम करूंगा। कितने लोग चार्ट बनाते हैं? बनाया कभी चार्ट आपने? प्रेयर चार्ट आपने बनाया कभी? बाइबल चार्ट नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं कि आज औरतों को पूछ लो, इनके पास इनसे पूछो तो इनको पता होगा। कहते हैं हमें सब चार्ट का पता है, गोलगप्पे चार्ट सब पता है, कैसे बनानी भेलपुड़ी चार्ट, चाउमीन चार्ट, कैसे चाटना है, कैसे चार्ट बनाना है, सब मालूम है इनको। इनको गोलगप्पे घर बना लेती हैं, इतने तरीके हैं इनके पास। लेकिन किसी के पास प्रेयर रूम का चार्ट नहीं है। याद रखना, अगर प्रेयर रूम का चार्ट होगा आपको गोलगप्पे बनाने नहीं पड़ेंगे, आपके पास करा सर्वेंट भेजे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके घर में काम करने वाले सर्वेंट भेजे जाएंगे, आपकी तरक्की की जाएगी। परमेश्वर आपके आसपास करा आपकी हेल्प के लिए एक डिवाइन हेल्पर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। करा जब तक आप प्रार्थना में रूटीन में नहीं करते, आज अपने हाथों को उठाऊं बोलो परमेश्वर मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना दिन में तीन बार करूंगा। कितनी बार? तीन बार। जो एक बार कर रहा है मैं कह रहा हूं उसकी सुनवाई नहीं होगी, जो तीन बार कर रहा है। हालेलुया बोलो जोर से आज। हालेलुया। आज से रखेंगी औरतें तो नहीं रखेंगी, इनके पास गोलगप्पे का चार्ट है, ब्यूटी पार्लर जाने का चार्ट है, फिटनेस का चार्ट है, डाइटिंग चार्ट है, इनके पास सब चार्ट है। रंग गोरा कैसे करना है वो भी चार्ट है इनके पास, मोटापा कैसे घटाना है वो भी चार्ट है। लेकिन अगर आज आदमी भाइयों बहनों, अगर आज से आप ये फैसला लें कि मैं दिन में तीन टाइम प्रार्थना करने का चार्ट बनाऊंगा, मैं कह रहा हूं कि इस साल नहीं, इस हफ्ते में एक स्वर्गदूत आसमान से निकलेगा आपके लिए। आमीन। आपकी गवाही बना कर जाएगा। यस आमीन। क्या आप तैयार हैं? तो हाथों को उठाओ आज। कहो परमेश्वर के मैं रूटीन से प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर मैं रूटीन से प्रार्थना करूंगा। याद रखना, रूटीन से प्रार्थना करने वाला सामर्थी होता है, सामर्थी। दानियल बड़ा सामर्थी था। दानियल तीन टाइम प्रार्थना करता, मंत्री होने के बावजूद वो भविष्यवक्ता था। उसने 500 साल की भविष्यवाणियां लिख दी। आप समझ रहे हैं? उसने 5000 साल की भविष्यवाणियां लिख दी होंगी। आप समझ रहे हो? लेकिन आपको विश्वास करना है, मैं कह रहा हूं कि उसने जो भविष्यवाणियां लिखी और वो सच थी। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला योद्धा था। आप सुन रहे हैं मेरी बात? कि आपको विश्वास करना है, आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। आज आपकी जिंदगी में काम होगा। भजन संहिता 32:6 को पढ़ें जल्दी से। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुसीबतें कब आती हैं? करें कि जब वो उसी समय प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर विश्वासी जब प्रार्थना में बैठते हैं जब मुसीबत सिर पर आ जाती है। हालेलुया। करें, और जो एक बार प्रार्थना करता है दिन में, और उसे पूछ लो कि वो जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना का उत्तर मिलने में उसे साल लग जाता है। 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। लेकिन जो दिन में 3 बार 7 बार प्रार्थना करता है, मैं कह रहा हूं कि जो बार बार प्रार्थना करता है, जितनी ज्यादा प्रार्थना करोगे एक सामर्थी हो जाओगे आज से। आमीन। अपने हाथों को उठाओ बोलो मेरे बच्चे सामर्थी हो जाएं। मेरे बच्चे सामर्थी हो जाएं। मैं सामर्थी हो जाऊं। मैं सामर्थी हो जाऊं। विश्वास कर रहे हो? यस। क्या लिखा 32:6 में? इस कारण हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हाँ। निषेध जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया हालेलुया। क्या वादा कर रहा है? कह रहा है मैं उस भक्त के पास जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है रूटीन में, कह रहा उसके पास मैं बाढ़ भेजूंगा नहीं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक बार की प्रार्थना भी काम करती है, लेकिन क्या आपने ऐसे टाइम में ऐसे फास्टिंग किए हैं, ऐसी प्रार्थनाएं की हैं दिन में 3-3 बार? तो आपकी जिंदगियों में काम आपको करना नहीं पड़ेगा। आपको बताता हूं, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की हैं 24 घंटे 72 घंटे लगातार। मेरी मम्मी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जब बोला इसको पैरालाइज या कोमा में जा सकती है अगर होश ना आया, मैं कमरा बंद कर यरूशलेम की ओर मुंह करके
मैं लेट गया और प्रार्थना करता रहा 48 घंटे रूटीन में, मैंने बिना कुछ खाए पिए प्रार्थना किया, मैं कह रहा हूं, और मेरी मम्मी को होश आ गया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं किया चर्च स्टार्ट करने से पहले, यीशु मसीह बड़ी कंपनी खोलने से पहले, चेले तैयार करने से पहले पहाड़ी पर गया और उसने लगातार प्रार्थना किया सारी रात। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? या फिर आप ऐसे हो जो आप रातों को प्रार्थना करने वाले हो, दिन में प्रार्थना करने वाले हो, आपके अंदर आपने डिसाइड किया हो हफ्ते में मैं 2 दिन उपवास रखूंगा, आपने डिसाइड किया हो, अगर आप ऐसे प्रार्थना करने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ 1 साल लग जाता है मकान बनाने के लिए, 1 साल बिना मांगे परमेश्वर से प्रार्थना करो, अगले साल मांगना नहीं पड़ेगा, आप कहेंगे और हो जाया करेगा। आमीन। समझ रहे हो? कोई प्रार्थना ऐसी नहीं है जो मांगे वाली ना होती हो। सब मांगते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करो, तारीफ करो, उसकी महिमा करो बार बार। 1 साल मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 3.5 साल कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से, प्रार्थना प्रार्थना करता रहा, अपना डब्बा भरता रहा अनॉइंटिंग से, और आज मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा लोगों के लिए। हालेलुया। प्रार्थना मैं घर पे करके आता हूँ, यहाँ पे लोग मेरे से हाथ मिलाते हैं, उनका काम हो जाता है। आमीन। मेरे कपड़े छूते हैं, काम हो जाता है। यस, आमीन। मेरा चेहरा देखते हैं, काम हो जाता है। हालेलुया। पानी डालता हूँ, काम हो जाता है। आमीन। क्योंकि मैं संडे से पहले दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। अगर आज आप रूटीन से, आपकी रूटीन है, देखो सुनो, आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप सोने के लिए जाओ, सोने का टाइम रात को 8 बजे है, लेकिन आप सो रहे हैं 4 बजे सुबह, आप जब मर्जी सो जाते हैं, जब मर्जी उठ जाते हैं, तो उसके बाद सुबह आप कैसे घूमेंगे? हालेलुया। ऑफिस में कैसे जाएंगे? आप ऐसे करेंगे सारा दिन, थकावट रहेगी कि नहीं? जब आप प्रार्थना भी इस तरीके से करते हैं, जब मर्जी आया कर लिया, तो सारा दिन थके थके रहेंगे, आपके काम थके थके रहेंगे, आपके बिजनेस थके थके रहेंगे, वो सारा दिन बांस मारते रहेंगे काम। समझ रहे हैं? जो उठ के आएगा, सोने का टाइम ही नहीं होगा। मान लो प्रेयर करने का टाइम है, मुझे टाइम दिया एक आदमी ने हरियाणा में कि सर 5 बजे आ जाना, हमारे घर पर प्रार्थना करेंगे। बेवकूफ़ से पति पत्नी बच्चे कुंडा लगा के सो रहे, मैं बैल मारी जरा सो रहे। मैंने कहा मुझे बुलाया था, हेलो हेलो, उठे ही ना, और 15 मिनट बाद उठे, सॉरी पास्टर हम सो गए थे। मैंने कहा ये कौन सा टाइम है और मुझे बुलाकर सो गए, और उसके मुंह में से सड़ायां दारी थी बदबू ब्रूस की। कर अच्छा अंदर आ जाओ फटाफट, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी प्रार्थना नहीं करता, प्रोफेसी कर दो। मैंने कहा तुम्हारा मकान गिर जाएगा। कह रहे ये कैसी प्रोफेसी है? मैंने कहा तुम्हारा मकान गिर जाएगा, प्रभु का आत्मा बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। कहते आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा अगर आपने ये मकान नहीं छोड़ा तो थोड़े दिन के बाद बाढ़ में डूब जाएगा, अगर आपने फिर भी नहीं छोड़ा उसके बाद गवर्नमेंट के खाते में जमीन आ जाएगी, रेल की पटड़ी आ जाएगी इधर। कहता कैसे? कहता हाँ, रेल की पटड़ी थोड़ी दूरी है, और अब मुझे पता लगा है पिछले साल कि 7 साल वाली भविष्यवाणी पूरी होगी, उसका मकान उड़ा दिया, उसने मकान नहीं छोड़ा क्योंकि ट्रेन की पटड़ियों का स्टेशन बन गया उधर। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना ये थी, जब मर्जी सोते थे, जब मर्जी खाते थे, जब मर्जी प्रार्थना करते थे। आप किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अगर आपके लीवर को सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए और आप कर रहे डिनर है, अगर आपके आपके लीवर को दोपहर को लंच चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सिर्फ अमरूद खाए और चले गए बेवकूफ। अगर आप उल्टा करेंगे तो आपका आपकी बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, आपके फंक्शन खराब हो जाएंगे। इसलिए आपको अगर बॉडी को मेंटेन करना है तो आपको डाइट का मेंटेन का चार्ट बनाना है। समझ रहे हैं? अगर आपको अपनी फेस, अपनी ब्यूटी का, औरतों अगर अपनी ब्यूटी का चार्ट बनाना है तो टाइम पर सोना और टाइम पर उठना है। बोला हालेलुया। हालेलुया। ओ थैंक यू पापा सानू दस्ता। टाइम पर सोना और टाइम पर उठना है। सुनो, अगर आपको अपनी जिंदगी में मोची से, हलवाई से, चाय वाले से देश का मंत्री बनना है तो आपको अपनी प्रार्थना का रूटीन बनाना है आज से, यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रहा है कि नहीं? यस। पुला खड़ा रहे के गिर जाए, खड़ा रहे आपका बिजनेस, खड़ा रहे के गिर जाए। यूसुफ की
नहीं पड़ते हैं, दुख उठाया पापा हमने भी दुख उठाया, जब दुख उठाया, लेकिन उसने दुख उठाने के साथ साथ सूरों का खाना भी खाते खाते कह रहा है कि वहां पर सूरों वाला खाना भी खाता, लेकिन सूरों के साथ झुंड में बैठकर नाक बंद करके उनकी लेटरिंग सूंघता सूंघता भी उन प्रार्थना करता था। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर प्रेयर टाइम है, काम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, अलग जाता है। आप देख सकते हैं मुस्लिम लोगों को नमाज पढ़ने के लिए ट्रेन में चटाई बिछा लेते हैं, उनका टाइम हो गया है, लेकिन आपका टाइम नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपको विश्वास करना है। अगर आपके पास रूटीन है, टाइम है, एक एंजल हर समय आपके लिए हेल्प करने के लिए आपके गेट पर खड़ा होगा। आमीन। करा दानियल की हेल्प करने के लिए खड़ा हो गया, दानियल को मारने के लिए आए, लेकिन दानियल को पता था, करा कि मैं रूटीन से प्रार्थना करता हूं, अगर ये मुझे मारने भी आएंगे तो मेरे साथ एंजल रहता है। हालेलुया। दानियल को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, दानियल ने रूटीन की प्रार्थना में ये प्रार्थना भी किया कि परमेश्वर अगर तेरे भक्त जन पर कोई मुसीबत की बाढ़ आए तो क्या तू मेरे साथ खड़ा होगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आज रात शेर की मान में मिलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले योद्धा को पहले ही पता होता है क्या मुसीबत आनी है और कैसे आपको निकलना है। समझ रहे? जो रूटीन में प्रार्थना करते हैं उनको पता होता है, वो भविष्यता कहलाते हैं। समझ रहे हैं? कोई जरूरी नहीं होता बिजनेसमैन को भविष्यवाणी ना आए, आप काम करते हैं और आपको दर्शन ना आए। बहुत सारे लोग आज भी कमजोर इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में रूटीन में प्रार्थना नहीं करते, रूटीन में बाइबल नहीं पढ़ते, टाइम टेबल फिक्स नहीं करते, अपना चार्ट नहीं बनाते। मैं कह रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, वो मजबूरी है, आप कभी भी कर सकते हैं, कभी मजबूरी हो जाती है, लेकिन अगर आपकी रूटीन है तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। यीशु मसीह के नाम आमीन। आमीन बोलने के वालों का छुटकारा होगा। आमीन। करा मैं देख रहा था एक एयर होस्टेस मुझे मिली, मेरी मासी की लड़की एयर होस्टेस थी, तो उस समय मैं पूछ रहा था, मैंने कहा ये बालों में क्या लगा के सो रही है तू? कहती है मेरा रूटीन है, मैं बालों में ये स्प्रे लगा कर सोती हूँ, और रात को मैंने कहा ये फेस पे क्या है? कह रही ये गाची है, मिट्टी फेस पैक। कह रही मुझे ब्यूटी रहने के लिए, कहते मुझे रात को ये फेस पैक लगा के सोना पड़ता है। लेकिन याद रखना आपकी आत्मा में अगर सांप बिच्छू घूम रहे हैं, भूत प्रेत घूम रहे हैं, तो आपको भी बाइबल का फेस पैक अपनी आत्मा पर लगाकर घूमना पड़े सोना पड़ेगा, याद रखना। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। करे आपको फिल्म स्टार को मालूम है वो रूटीन में सोते हैं, रूटीन में फूड खाते हैं, रूटीन में उनका एक चार्ट है। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर उनको मेंटेन रखता है। अगर आप मेंटेन रहना चाहते हैं, आप छोटे लोग नहीं हैं, किसी की दाढ़ी देख लो, किसी का रंग देख लो, किसी के हाथ देख लो, किसी के कपड़े पहनने का स्टाइल देख लो, अगर आज करा तुम कोई चर्च में आ रहे हो और सो रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए कई लोग, वो देखो व्हील चेयर बैठी सो रही है, देखो दिखा कैमरे में उधर, वो देखो सो रही है, देखो दिखा, कारण माइक करो, इधर माइक करो, मैं क्या कह रहा हूँ माइक करो। अगर आज रात आप चार्ट बनाना स्टार्ट करें, आपकी बॉडी को सुनाने वाले कीटाणु जाग जाएंगे। हालेलुया। आपको बीमार कीटाणु बीमार करने वाले कीटाणु भाग जाएंगे आज। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं सारे कीटाणु पकड़े जाए उनके आज। यस आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे कीटाणु पकड़े जाएंगे आज, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पकड़े के नहीं आपके कीटाणु? यस। इसलिए 30 मिनट सारे बोलो 30 मिनट की एक्सरसाइज, 30 मिनट की एक्सरसाइज, और शरीर के लिए अच्छा नाश्ता करूंगा। समझ रहे हैं? ये तो आपने सीख लिया, लेकिन आपने आज क्या सीखा? कह रहा कि मैं सुबह 30 मिनट प्रार्थना करूंगा, दोपहर को भी करूंगा, रात को भी करूंगा सोने से पहले। याद रखना अगर कीटाणु घुसने लगेगा पहले ही पकड़े जाएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आमीन। मेरे सिर में जू की हिम्मत नहीं घुस जाए। मैं एक दिन रात को सो रहा था तो मेरे बेड पे जू ना आ रही है, और मैं ऐसे आंख खोल के देख रहा हूँ, ऐ ये कहाँ से आ रही है, और जू आई और मैं उसको देखता रहा और थोड़ी देर में वापस हो गई। फिर मैंने अपने कमरे में पूछा, मैंने कहा मेरे कमरे में कौन सोया था? मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाने वाला वो मेरे बेड पे सो गया, थका हुआ था बेचारा। मैंने उसको मारा नहीं, मैंने उसको शाबाशी दी, मैंने उसको शैम्पू भी दिया, मैंने कैसे ना मेडिकेयर से। आप समझ रहे हैं? कह रहा कि हम संसार की चीजों को जानते हैं, लेकिन अगर आज से तुम प्रार्थना करके सोओगे
जब मैं घर से बाहर था, मैं खेत में सोता था, गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में सोए हो कभी? मेरे पास घर नहीं था, गन्ने के खेत में सोता था, और मेरी आत्मा अंदर से कहती रहती थी, सांप आ जाएगा, सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा। मैं कहता था, यहोवा मेरी जंग लड़ेगा, हालेलुया, यहोवा साड़ी रक्षा करेगा। मैं प्रार्थना करके सो जाता था, कान में टिर 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 चलते रहते थे, आवाज़ आती डड्डू की। और भाई साहब, मैं देखता था डड्डू इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन ना मेरे ऊपर आते थे ना कुछ। सुबह उठता था कि पास में सांप पड़े होते थे, डड्डू पड़े होते थे, कीड़े मकोड़े होते थे, लेकिन मैं सुरक्षित होता था। आप समझ रहे हैं? Yes. तीन टाइम प्रार्थना करने वाले लोग सुरक्षित होंगे यीशु मसीह के नाम में। दानियल को मालूम है, दानियल प्रार्थना रूम में गया, उसने कहा, परमेश्वर तेरा मुझे मारने के लिए हस्ताक्षर कर दिए गए। परमेश्वर ने कहा, रे किसने कर दिए? तेरा शेर की मांद में डाला जाएगा मुझे। बोलता है, करा ले, करा शेर क्या, एक कीटाणु भी तेरे पास आने नहीं पाएगा। हालेलुया। उसका मुंह खुलने से पहले खुला का खुला ही रहेगा। और शेर आया दानियल के पास। किधर गया लड़का? शेर आया, जिसको मैं आगे बुला लेता ना, वो ज्यादा हवा खराब हो जाती है उसकी। तरह दाढ़ी मूछ वाले काले से दुआ। दानियल प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना कैसे कर रहा दानियल घर में? दानियल प्रार्थना कैसे कर रहा है? और शेर आया, सूंघा, बुरुशनी करके आया, सेंट भी नहीं लगा के आया। शेर आया, बालों में दही लगा के आया बेवकूफ। शेर को कितनी गंदी गंदी क्वालिटी आ रही है। शेर कह रहा, मुझे तो फ्रेश चाहिए। चर्बी को सूंघने लगा, कहता बासी हो गई है, जैसे लाश की होती है। शेर कभी भी मुर्दा को नहीं खाता, याद रखना। शेर ने जब उसको सूंघा, कहता ये तो मुर्दा है, और वहां मुंह खोल कर खड़ा हो गया, और दानियल की प्रार्थना को सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। हालेलुया। आप समझ रहे? शेर भी समझ गया दानियल की प्रार्थना की ताकत। आपको बताता हूं, एक पादरी था, हरियाणा में सेवा करता था। कुछ लोगों ने, बदमाशों ने उसकी सुपारी दे दी उसको मारने के लिए। और जब उसकी सुपारी दी, तो वो एक जगह, किसी और जगह मीटिंग में प्रचार करने के लिए गया। प्रचार करने के लिए गया, थोड़े दिन के बाद वही बदमाश उसके चर्च में आए और उसको आकर बोले, पास्टर हमें तेरे से काम है। कहता क्या काम है? कहता हमें जरूरी बात करनी है अकेले में। कहता हमें 10 लाख रुपए मिले हैं तुझे मारने के लिए, अगर तू हमें 20 लाख दे दे तो हम तुझे नहीं मारेंगे। उसने कहा, कल ही मैं प्रभु को बोल रहा था, मैंने मकान वाले की किस्त देनी है, अगर नहीं देता तो मुझे उठा ले। कह रहा अच्छा, कह रहा तेरे पास बिल्कुल नहीं है? कह रहा नहीं। कह रहा तुझे सच्ची एक बात बताते हैं, कह रहा मार तो हम तुझे उसी दिन देते, लेकिन जिस दिन हम तेरी तरफ गोली करने के लिए मारने वाले थे, देखा क्या, चर्च में तेरे साथ 70 गनमैन खड़े हैं, 70। हालेलुया। उसने कहा, यार मेरे चर्च में तो 50 लोग आते हैं, 70 लोग मेरे साथ कैसे खड़े होंगे? उसने कहा, पता नहीं, 70 लोग कह रहा मैंने वर्दी में देखे तेरे साथ खड़े हैं, गनमैन। कहता और हम वहां से भाग गए, हमने तेरे को मारने का फैसला बदल दिया, हमने कहा तेरे से पैसे ही मांग लें। वो चले गए। और उसके बाद आपको बता रहा हूं, वो आदमी प्रचार करने के लिए फौरन में गया, और जब प्रचार कर रहा था फौरन में, तो वो अपनी गवाही बता रहा था, और गवाही बताते बताते एक आदमी ने खड़े होकर कहा, कह रहा पास्टर उसी टाइम उसी डेट को, कहता परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में बोला था, प्रार्थना कर इस दास के लिए। 1, 2, 3 कई लोगों ने हाथ खड़े किए। उसने कहा, खड़े हो जाओ वो लोग जिन्होंने उस दिन उस डेट को मेरे लिए प्रार्थना की थी। आपको पता है कितने लोग खड़े हुए? 70 लोग। हालेलुया। एक जगह फौरन में 70 लोग खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, अलग अलग अपने घर में। और उसको फिर समझ में आया कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत, प्रार्थना योद्धा,
बनाकर खड़े कर देता है हमारी सुरक्षा के लिए। आमीन। वो पादरी आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। आपको बताता हूं कि मेरे लिए लोग जो प्रार्थना करते हैं आप मुझे प्रोटेक्शन देते हैं। आमीन। जब मैं आपके लिए दुआ करता हूं तो मेरी दुआएं आपके बच्चों को आपके बिजनेस को प्रोटेक्शन देगी आज। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं किसी के लिए आपका परमेश्वर में परिश्रम करना कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके साथ एंजल खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ आपकी मदद करने वाले दूत खड़े होंगे। आमीन। आमीन बोलकर हाथ ऊंचे करो आज। आमीन। हालेलुया बोलकर चिल्लाओ आज। हालेलुया। कह रहे कितने लोगों के घर नहीं बने, लेंटर नहीं पड़ा अब तक। नेहमिया ने सुनो 6:15-16 को जब हम पढ़ेंगे नेहमिया, यस, यहां पर लिखा कि नेहमिया को पता लगा कि इज़राइल की दीवार 13 साल तक एक अक्षर्य राजा ने एद्रा को बहुत सारे पैसे दिए दीवार बनाने के लिए, लेकिन वो दीवार कितने साल नहीं बना पाया, 13 साल। हो सकता है आपके पास पैसा हो लेकिन आप दुकान ना बना पा रहे हो, आप घर ना बना पा रहे हो, आपका पैसा होने के बाद भी आप बिल्डिंग नहीं बना पाते, अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बना पाते। लेकिन जब नेहमिया को ये बात पता लगी 13 साल से करे दीवार नहीं बना पा रहे हम लोग, तो नेहमिया ने 3 दिन के लिए उपवास प्रार्थना किया। नेहमिया ने 3 लोग तंबू में प्रार्थना वाले बैठाए और कह रहे वो प्रार्थना ही प्रार्थना करते रहे। और आप हैरान होंगे इस वचन में पढ़ेंगे, एलूल महीने के पास पढ़ें। हाँ हाँ, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज से अगर आप प्रार्थना करें, आपके शत्रु जो लोग आपको बोलते हैं क्या मिला चर्च में जाके, कब बनेगा तेरा मकान, कब बच्चे का फ्यूचर खुलेगा, मैं कह रहा हूं ओनली फॉर 52 डेज में शहर बनाई जाएगी। आमीन। बिजनेस बनाए जाएंगे। आमीन। रिपोर्टें नॉर्मल की जाएंगी। यस आमीन। बच्चों का फ्यूचर बनाया जाएगा। आमीन। आप किराए के मकान से अपने मकान में जाएंगे। आमीन। ओनली फॉर 52 डेज के अंदर। यस। जितने लोग जाने के लिए तैयार हैं जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। कितने लोग आज से बिजनेस रूटीन में, प्रेयर रूटीन में करेंगे आज से? देखा नेहमिया ने रूटीन में स्टार्ट किया, उसका लेंटर पड़ गया। आज लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, परमेश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं है। आज रात आपका लेंटर पड़ने वाला चर्च। आमीन। आज रात आपकी खुशियां खोई हुई वापिस आने वाली हैं। आमीन। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। यस आमीन। आज रात के बाद आप जीत जाएंगे। आमीन। गलातियों के 5:17 को पढ़ेंगे जल्दी से, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जो तुम ना करना चाहते, जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। यस। यहाँ पर लिखा है ऐसे, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको। शैतान जानता है कि आप बन सकते हैं, आपकी आशीषें खुल सकती हैं, इसलिए वो आपको प्रार्थना करने से रोकता है। इसलिए वो सबसे पहले आपकी प्रेयर लाइफ पर अटैक करेगा। अय्यूब 1:15 में देखते, 1:13 में देखते कि शैतान ने क्या किया अय्यूब की लाइफ में। उसके बच्चों पर अटैक नहीं किया पहले, उसके पशुओं पर अटैक किया। क्यों किया? सबसे पहले आपकी फाइनेंस पर अटैक करता है शैतान, कि ताकि आपका फाइनेंस करा जीरो हो जाए और आप निराश होकर चर्च से चले जाएं, आपका कोई काम ना बने, आप निराश रहें। आपके प्रेयर लाइफ पर अटैक करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, क्योंकि ये बलिदान चढ़ाने वाले लोग हैं। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर को पशुओं के द्वारा बलिदान चढ़ाया जाता था, लेकिन आज करा के यीशु मसीह के कारण करा बलिदान चढ़ाया जाता है देह प्राण आत्मा के कारण। याद रखना, देह प्राण आत्मा, आप जब परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाते हैं तो वो आपकी चीज़ों पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, जितने लोग रूटीन से प्रार्थना करते हैं शैतान उनके बलिदान को देखता है। याद रखना, आपने चर्च में आए, आपने बलिदान दिया अपने समय का, आपने अपनी कमाई का बलिदान दिया आज। आमीन बोलने वाले आज बलिदान चढ़ा दो। आमीन।
हालेलुया बोलकर बलिदान चढ़ावा। हालेलुया। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा इस साल के अंदर। कह रहा है अपनी प्रेयर लाइफ को बचाना है कि नहीं, अपने बच्चों पर अटैक होने से बचाना है कि नहीं। आप लोग पूछते फिरते हैं मेरे फाइनेंस पर अटैक क्यों, मेरे बच्चों पर अटैक क्यों, मेरी हेल्थ पर अटैक क्यों, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये अटैक स्टॉप कैसे होंगे। कह रहा है जो दिन में तीन बार प्रार्थना करेगा, जो परमेश्वर को अपने समय का बलिदान चढ़ाएगा, जो संडे चर्च आने का बलिदान चढ़ाएगा, जो दशमांश देकर अपनी कमाई का बलिदान चढ़ाएगा, आमीन, जो अपनी आंखों का बलिदान सुबह उठकर अपनी खिड़कियां आंखों की करा यरूशलेम की बाइबल में खोल लेगा, आमीन। याद रखना करा आज के बाद करा शैतान करा आपके बलिदान को देखेगा और पतली गली से निकल जाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और जो बलिदान चढ़ा रहे हैं आज, यस, आज उनके घर में गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, yes. क्या आप तैयार हैं? Yes. आज आपकी जब बड़ी बड़ी गवाहियां बनती हैं, तो कैसे बलिदान चढ़ाया जाता है? Yes. हिजकिया राजा जब बना तो उसने सबसे पहले जाकर अपनी कमाई का बलिदान चढ़ाया। मंदिर की जो लकड़ियां खिड़कियां डोर टूटे हुए थे, जाकर वो बनाए। लेकिन यहाँ पर जब आप मंत्री बनते हैं, नौकरी मिलती है, कनाडा जाते हैं, तो आपके घर में ढोल बज रहा है, ढम ढम लाका लाका, ढम ढम लाका लाका, ढम ढम, खुश हो रहे होते हैं, बेटा मिलता है, ढम ढम लाका लाका, ढम ढम, घर बनता है, पैसे आते हैं, मिराकल मनी आती है, ढम लाका लाका, ढम 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 लाका लाका, थोड़े टिड्डी बिच हो जाए तो उसी टॉयलेट से बैठे रहो तीन दिन, ढम लाका लाका करते रहो। ओ लोग जो विचार नहीं करते, तुहानू रब ने किस वास्ते बनाया है, समझ रहे हो? परमेश्वर ने आपको बलिदान चढ़ाने के लिए बनाया है। yes. जब पहले बड़ी गवाही आए, दानियल की तरह घुटने टेक दो। दानियल समस्या में भी घुटने टेकता रहा। अगर आज कोई यहाँ पर ऐसा बैठा है, समस्या में हो, काम ना बन रहा हो, लेकिन फैसला ले लिया हो, मैं तो भी घुटने टेकता रहूंगा। आज रात मैं कह रहा हूँ आपके घुटनों का हिसाब परमेश्वर लेगा शैतान से, यीशु मसीह के नाम आमीन। आपकी बीमारियों को बाहर भगाएगा, आपकी समस्याओं को खत्म करेगा, आपके रोने चिल्लाने को सुनेगा आज, हालेलुया, आपको आजाद करेगा आज, आमीन। जिस काम में आप सफल नहीं हो रहे, आप जीत कर आएंगे, आमीन बोलने वाले, आमीन। सुनो, तीन टाइम प्रार्थना करने का उत्तर क्या आया? हिजकिया राजा बनने के बाद कैंसर की बीमारी से घिर गया, और उसी समय उसने कहा परमेश्वर, दीवार की ओर मुंह करके बैठ गया और उसी समय प्रार्थना करता रहा, और उसी समय परमेश्वर ने कहा भविष्यता को कि जा, इसको कह दे ये मरेगा नहीं, मैं इसकी 15 साल उम्र और बढ़ा रहा हूँ। हालेलुया। याद रखना, रूटीन में प्रार्थना करने वालों की उम्र लंबी होगी, भविष्यवाणी है। रूटीन में प्रार्थना करने वालों की बीमारियां परमेश्वर नीचे आकर उड़ाएगा आज। आज कह रहा हूँ कि आपका कैरियर बनाकर जाएगा, आमीन, आपका बिजनेस बनाकर जाएगा, आमीन, जिसने आपको उजाड़ा है उनके सामने आपको बसाकर जाएगा। हालेलुया। क्या आमीन बोलकर तैयार हैं आज आप? आमीन। पड़ोसी को बोलो एक हेल्प स्वर्ग से इस हफ्ते में जरूर आएगी तेरी। यस, आमीन। क्या आप घर तक बोलते हुए जाएंगे? आज कितने लोग घर तक बोलते हुए जाएंगे ऐसे? क्या बोलोगे? बोलो मेरे पीछे, एक हेल्प मेरी स्वर्ग से आएगी, एक हेल्प मेरी स्वर्ग से आएगी, इस हफ्ते में आएगी, इस हफ्ते में आएगी। कितने लोग बोलेंगे अब से? बोलते चले जाओ, इस हफ्ते में मेरी स्वर्ग से हेल्प आएगी, इस हफ्ते में मेरी स्वर्ग से हेल्प आएगी। कितने लोग बोल रहे हैं? इस हफ्ते में मेरी स्वर्ग से हेल्प आएगी। घर तक जाते बोलना है, इस हफ्ते स्वर्ग से मेरी हेल्प आएगी, इस हफ्ते मेरी स्वर्ग से हेल्प आएगी, इस हफ्ते स्वर्ग से मेरी हेल्प आएगी, इस हफ्ते मेरी स्वर्ग से हेल्प आएगी, आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Yes. इस हफ्ते आपके स्वर्ग से हेल्प आएगी। Amen, I receive. अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आपकी बाइबल बोलती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूँ यीशु मसीह के नाम में। Amen. विश्वास करते हो? Yes. अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज से जिन लोगों ने रूटीन में प्रार्थना की है पिता परमेश्वर, उन्हें आज से प्रार्थना की ताकत नजर आए, कोर्ट कचहरी में नजर आए, इनकी बीमारियों में नजर आए, yes. जब ये जॉब का फॉर्म भरने जाए नजर आए, आमीन। मेरी प्रार्थना इनको जीत दिलाए, आमीन। बोलो आमीन, आमीन। आज से बोलो जो मैंने मांगा मिल गया है, जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। रुमाल दे यार। yes. बोलो जो मैंने मांगा मिल गया है, जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है, जो मैंने मांगा मिल गया है, जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है, जो मैंने मांगा,
जो मैंने मांगा मिल गया है, मिल गया है। सुन रहे हो? यस। आज से आप वो हैं, किसी से कम नहीं है। यस। आपके जीवन में आज से मिराकल होने लगेंगे। आमीन। विश्वास करते हो? यस। आप जो भी मांगेंगे वो मिलेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? यस। पक्का मेरी तरफ कर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो जो भी मांगेंगे मिल जाएगा आज। यस, आमीन। सुन रहे हो? मैं देख रहा हूं